जी तो हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर डिस्कस की और टाइप्स ऑफ जो सब्जेक्ट है वो हमने डिस्कस कर ली। सिंपल सब्जेक्ट होता है, कंपाउंड होता है और कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट। कि जो प्रेडिकेट होता है वो कितने टाइप्स का होता है। प्रेडिकेट बेसिकली जब हम प्रेडिकेट फॉर्म करते हैं बेटा, ये एक्शन शो कर रहा होता है, ये वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस में। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जो वर्ड होता है वो प्रेडिकेट होता है। लेकिन सम टाइम्स हम क्या करते हैं कि उसमें जो एडिशनल वर्ड्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें आर्टिकल है, कंजंक्शन है, इंजेक्शन है और एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, अगर वो भी उसमें आए तो उसको भी हम प्रेडिकेटिव इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ये प्रेडिकेटिव लाइन है। और ये जो प्रेडिकेटिव लाइन होती है, इसमें प्रेडिकेट की तरह डॉक्टर हमने पढ़ा कि वो तीन तरह होते हैं। सबसे पहले जो टाइप होती है वो कौन सी होती है, सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है, हाँ मैंने आपको अभी बताया कि बेसिकली प्रेडिकेट जो होता है वो वन वर्ड होता है, यानी कि वर्ड होता है इन अ सेंटेंस, एक्शन भी शो कर रहा होता है, वो क्या होता है प्रेडिकेट होता है। समटाइम्स वो हेल्प कर रहा होता है, समटाइम्स वो लिंक क्रिएट कर रहा होता है, तो कोई भी उसकी टाइप हो सकती है, लेकिन वर्ड जो होगा वो क्या होगा, वो उसका प्रेडिकेट होगा। अब देखिए हम कह सकते हैं कि जो किसी भी सेंटेंस में वर्ड होता है वो क्या होता है, जैसे हमने सेंटेंस बोला द बेबी क्राइज, दूसरा सेंटेंस हम एक देखते हैं Return home.
ठीक है जी। फिर मैं कहता हूँ कि he invited me and he invited and presented a gift। अब देखिए ना इस सेंटेंस में came एक वर्ड, went दूसरा वर्ड, bought एक वर्ड, returned दूसरा वर्ड, invited one word, presented second word। एक सेंटेंस में दो एक्शंस हो रहे हैं। जब इस तरह का सेंटेंस आता है बेटा तो ऐसा सेंटेंस जो होगा उसमें जो प्रेडिकेट होता है बेसिकली वो वर्ब, जो दो वर्ब्स होते हैं प्रेडिकेट के लाइन में उसको हम क्या कहते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट, क्या कहते हैं ना कंपाउंड प्रेडिकेट। अब तीसरी हमारे पास टाइप होती है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं, मैंने जैसे शुरू में डेफिनेशन लिखी थी, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब ये बेसिकली जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट प्रेडिकेट की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल ये जो डेफिनेशन आपको मैंने आपको पहले बताई कि पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा सारा पार्ट जो सेंटेंस का होता है वो क्या होता है कंप्लीट प्रेडिकेट। एग्जाम्पल सम लिखते हैं ना, अगर इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम देखें he came and went out again, he bought a ticket and returned home, he invited and after he invited me and presented a gift। अब देखिए हमने ये कहा कि अगर सिर्फ इसमें क्या कर दें सिर्फ इन दो वर्ड्स को सिलेक्ट कर लें कंपाउंड करेंगे, दो वर्ड्स को सिलेक्ट कर लें कंपाउंड करेंगे, दो वर्ड्स को सिलेक्ट कर लें कंपाउंड करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो पार्ट है ये सब्जेक्ट है और उसके अलावा जो सारे का सारा पार्ट है ना प्रेडिकेट, सारे का सारा पार्ट है ना तो प्रेडिकेट। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट प्रेडिकेट जिसमें वर्ब भी मौजूद है, कंजंक्शन भी मौजूद है, इसके अलावा जना आप कहेंगे कि एडवर्ब भी मौजूद है, फिर जना एडवर्ब नाउन है, ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए सब प्रोनाउन आर्टिकल ये सारे मौजूद है जना आपने देखे इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ इस सब्जेक्ट के अलावा सारा पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है वो क्या होता है कंप्लीट प्रेडिकेट। क्या होगा जना कंप्लीट प्रेडिकेट होता है जिसमें वर्ब भी होता है और अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस स्पीच जो है वो भी होता है। अगर सिर्फ आप एक वर्ड को देखेंगे, अगर एक वर्ड है वन वर्ड वर्ड है वो क्या होगा सिंपल, अगर दो वर्ड्स हैं वो कंपाउंड, और अगर आप कहते सब्जेक्ट के अलावा सारा का सारा पार्ट है वो प्रेडिकेट है वो बेसिकली क्या होगा कंप्लीट प्रेडिकेट।